हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथसविद। मैं वंदना वीरा मध्य प्रदेश रामबाग केंद्र इंदौर से हूँ। बापूजी की शुरुआत मैंने काम में भक्ति से करी थी। जैसे ही मैंने मेरे बहुत सारे अनुभव आए हैं। पहला अनुभव तो यही था कि बापूजी से बोला था कि एक बेटी है तो मुझे अब एक बेटे की चाह है, तो बापूजी ने उसी तरह से मेरा बेटे की चाह भी पूरी करी और आज बेटे को और मुझे हम दोनों को बापूजी ने सुरक्षित रखा है। वैसे ही बापू हर बात मन की जानने वाले हैं और परिस्थिति भी हमारी साधारण थी। तो क्या होता था, मैं जब भी मेरे पियर जाती थी तो मेरे पापा मुझे, भले ही मैं साल भर में जाऊं या 6 महीने में जाऊं या 8 दिन में जाऊं, हर बार मेरे पापा ना मुझे 2000 रुपये देते थे जब भी मैं जाती थी। तब मेरे पापा, मेरी परिस्थिति नाजुक थी और मैं भी रेडीमेड में प्राइवेट छोटा सा काम करती थी। उस बीच क्या हुआ, मेरे पापा बीमार हुए तो मुझे कंटिन्यू गांव जाना आना पड़ा। उसके बाद में ऐसा होते होते फिर मेरे पापा शांत हो गए तो उस बीच मुझे छुट्टियां भी लेना पड़ी काम पे से और गांव में भी 22 दिन रुकना पड़ा। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि बापूजी अब कैसा होगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि परिस्थिति नाजुक है तो अब अपन कैसा करेंगे। मेरे पापा शांत हुए 9 जुलाई को और जुलाई में बच्चों का स्कूल खुलता है। तब मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि अब मैं आगे का क्या करूँगी, 22 दिन यहाँ रही तो छुट्टियाँ हो गई, कैसे करूँगी क्या करूँगी। और जाते समय मेरे पापा हमेशा मुझे 1000 2000 1500 कुछ ना कुछ तो देते ही थे। अब मैं बच्चों की फ़ीस कैसे भरूँगी, अब तो पापा भी नहीं रहे, अब मेरा क्या होगा। बस मैं मन के मन में और बापू जी का हनुमान चालीसा करती थी और वहाँ पे बोलती थी कि अब क्या होगा कैसे होगा। पर बापूजी सारी बातें मन की समझते हैं, सारी परिस्थिति को अपने जानते हैं और वो अपने को हर संकट से बचाते हैं और हर तरह की जितना भी होता है अपना श्रद्धा और भक्ति भी होना ज़रूरी है उस हिसाब से बापूजी। और अपनी श्रद्धा भक्ति यदि कम भी रही तो भी वो कारण उसका बहुत बड़ा अपने ऊपर कारुण्य है। जन्म देने वाले से तारने वाला मेरा पालनकर्ता पिता, मेरे पालनकर्ता पिता ने मुझे कैसे साथ दिया। जन्म देने वाले तो चले गए थे, मेरे पालनकर्ता मेरे पिता मेरे सद्गुरु मेरे बापू ने क्या किया कि मेरे मिस्टर को बॉस का ऑफिस में से फ़ोन आता है और बोलते हैं कि आज आपको बॉस से मिलना है, आज आपको बॉस से मिलना है। तो मेरे मिस्टर बोलते हैं आज शनिवार है, आज उपासना होगी, हम आज मैं बॉस से नहीं मिल पाऊँगा। तो मैडम ने बोला नहीं, कुछ ज़रूरी काम है, आज आपको बुलाया है और बॉस के साथ आपको कॉफ़ी पीना है और आपकी जो भी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है वो सब शेयर करना है। ये बोले मेरी उपासना छूट जाएगी, हम लोग उपासना जहाँ तक हो सके कभी मिस नहीं करते। पर ये उस दिन वहाँ चले गए तो बॉस ने इनको बुलाया, पूछताछ करी कैसे हो क्या हो कितने बच्चे क्या है कैसा है। इन्होंने सब कुछ अपना बताया कि 2 बच्चे और ऐसी ऐसी परिस्थिति है और ऐसा ऐसा चल रहा है। तो और बोले अभी बच्चों का स्कूल खुलने वाला है और बच्चों की फीस भरना है। अच्छा, तो पूछा कितनी भरना है, इन्होंने जो भरना थी वो फीस बताई 4620 रुपये। बॉस तुरंत गए और ड्रॉज में से उन्होंने 5000 रुपये निकाले और मेरे मिस्टर को दिए, बोले ये लो ये फीस तुम्हारे बच्चों की, ये फीस तुम भर देना और बचा हुआ अमाउंट ले आना। हमने भी जो फीस थी वो भर के और बचा हुआ अमाउंट बॉस को दे दिया। बापू कृपा से ये सब हुआ। मैं तो सोच में ही रही थी कि कैसे होगा क्या होगा और उस समय बॉस ने कहा कि जब तक तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे तब तक उनकी फ़ीस मैं करूँगा, मैं दूँगा। मेरा कहने का मतलब ये कि मेरा सद्गुरु मेरा बापू मेरे जन्म देने वाले पापा तो मुझे एक बार ही देते 2000 रुपये देते, उसमें मेरा क्या होता, पर आज मेरे पूरे स्कूल के बच्चों की फ़ीस मेरे सद्गुरु ने मेरे बापू ने भरी। ये सिर्फ मेरा बापू ही कर सकता, वरना बॉस ऐसे कभी किसी को नहीं देते हैं। हरिओम श्री राम।